दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल सहायता में। दोस्तों, आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कि आज सुप्रीम कोर्ट ने COVID-19 की जो डेथ्स को लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट दिए दोस्तों, कि जजमेंट का नाम है दोस्तों रीपक कंसल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया एंड गौरव कुमार बंसल वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आज ये बताया है कि कोविड से जो भी डेथ्स हुई हैं, केवल कोविड ही नहीं, अगर आपको कोई और कोमॉर्बिडिटी थी, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप डायबिटीज के पेशेंट हैं, आप हार्ट के पेशेंट हैं, माना आप किसी ब्रेन ट्यूमर के पेशेंट हैं, और कोई भी आपको ऐसी बीमारी थी और साथ में आपको कोविड हो गया, और अगर आपकी मृत्यु हो जाती है, और तो ऐसे केसेस के अंदर आपके डेथ सर्टिफिकेट पे जो भी आपके रिलेटिव हैं या आपके जिनकी की मृत्यु होगी उनके डेथ सर्टिफिकेट पर दोस्तों कोविड ही मेंशन करना होगा, और इट इज नाउ मैंडेटरी। मैं आपको दोस्तों बता देता हूं, आज लाइव लॉ पोर्टल पे ये जजमेंट जो है अभी रिफ्लेक्ट हुई है। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहते हैं कि इन द डेथ सर्टिफिकेट ऑल्सो इफ अ पर्सन हैज डाइड ड्यू टू COVID-19 और एनी अदर कॉम्प्लिकेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और एनी अदर कॉम्प्लिकेशंस ऑब्लिक डिजीज ड्यू टू COVID-19, इट शुड बी स्पेसिफिकली मेंशन इन द डेथ सर्टिफिकेट। तो आप दोस्तों समझ गए होंगे कि यहाँ पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पे मोहर लगा दी है कि यदि COVID-19 के दौरान किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो वहां पर डेथ सर्टिफिकेट में ये नहीं कहा जा सकता कि कोविड में अगर हार्ट अटैक आया तो हार्ट अटैक से मृत्यु हुई है। डेथ सर्टिफिकेट पे आपको रीजन जो है कोविड ही लिखना पड़ेगा और वही जो है सही मान्य होगा। अब ऐसा क्यों कहा है दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, मैं ये भी आपको बता देता हूं कि सबसे पहले दोस्तों मैं एक पैराग्राफ और पढ़ना चाहता हूं जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे बताया है कि इट इज द ड्यूटी ऑफ एवरी अथॉरिटी टू इश्यू एक्यूरेट ऑब्लिक करेक्ट डेथ सर्टिफिकेट स्टेटिंग द करेक्ट एंड एक्यूरेट कॉज ऑफ डेथ सो दैट द फैमिली मेंबर ऑफ द डिसीज्ड हु डाइड ड्यू टू COVID-19 मे नॉट फेस एनी डिफिकल्टी इन गेटिंग द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम्स दैट मे बी डिक्लेयर्ड बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेथ ऑफ द डिसीज्ड हु डाइड ड्यू टू COVID-19। दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि COVID-19 में से की होने वाली जो मृत्यु थी उनपे जो भी सरकार ने, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, अगर उसमें कोई कॉम्पनसेशन, कोई रिलीफ पैकेज उन्होंने दिया है, तो ऐसे समय में केवल डेथ सर्टिफिकेट में एक गलत रीजन ऑफ डेथ मेंशन होने की वजह से कहीं ऐसा ना हो कि फैमिली को वो बेनिफिट मिलने से वो वंचित रह जाए। तो ये जिम्मेवारी अथॉरिटीज की है कि इस तरह की कोई भी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए, और अथॉरिटी मस्ट एंश्योर दैट कि द प्रॉपर कॉज ऑफ डेथ शुड बी मेंशन्ड इन द डेथ सर्टिफिकेट। इफ दैट इज ड्यू टू कोविड देन इट शुड बी ड्यू टू कोविड, एंड इफ अ पेशेंट इज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल इन द नेम ऑफ कोविड एंड इफ ही एक्सपायर ड्यू टू हार्ट अटैक और एनी किडनी फेलियर और एनी लीवर फेलियर और एनीथिंग एल्स अबाउट लाइक लंग फेलियर और सम अनदर कॉज बट ही इज कोविड पॉजिटिव, दैट इन सच अ सिचुएशन द डेथ सर्टिफिकेट विल हैव टू बी कंटेन द रीजन एज कोविड डेथ ड्यू टू COVID-19। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट थी जो आज जो है सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच ने जो है एक दो जजों की खंडपीठ ने दोस्तों ये जजमेंट दी है, और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको भी दोस्तों बता दूं कि जब आपके कोई अगर नियर डियर वन है जिनकी की मृत्यु कोविड के कारण हो जाती है, तो ऐसे में दोस्तों डेथ सर्टिफिकेट पे COVID-19 का होना जरूरी है, और जो आपकी अथॉरिटीज है अगर वो आपकी इस बात को नहीं मानती है तो आप उनको ये जजमेंट जो है आप बता सकते हैं। दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर इस जजमेंट का नाम और डेट और सारी चीजें जो है मैं डाल दूंगा आपके लिए, सो दैट कि आपको इसमें जो भी मिलने वाले आने वाले टाइम पे जो भी बेनिफिट्स होंगे। दोस्तों देखिए, COVID-19 में अगर किसी के भी परिजन की मृत्यु हुई है, ऑल तो बहुत ही यह बुरा हुआ है उनके साथ, फैमिलीज के साथ, लेकिन फिर भी अगर कोई भी राहत पैकेज अगर उनको मिल रहा है सरकार की तरफ से, तो इसे केवल और केवल कुछ टेक्निकल ग्लिचेस की वजह से या टेक्निकल मिस्टेक की वजह से कोई भी फैमिली वंचित नहीं रहनी चाहिए। तो दोस्तों धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए आज इस शाम को, और दोस्तों आगे लीगल सहायता के हमारे इस पोर्टल से आप जुड़े रहिए, इस यूट्यूब चैनल से आप जुड़े रहिए दोस्तों, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अपने वीडियो के नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्दी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक और चीज बोल।